जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवान रविवार दोपहर से ही धरने पर है। 7 महिला पहलवानों ने सिंह के खिलाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। पहलवानों ने कहा, 3 महीने हो गए पर हमें न्याय नहीं मिला, इसलिए हम फिर से विरोध कर रहे हैं। हम न्याय की मांग करते हैं, अभी तक FIR तक दर्ज नहीं की गई है। पहलवानों ने कहा कि पहले हमसे FIR कराने को कहा जाता था, हम FIR कराने जाते हैं तो हमारी सुनी नहीं जा रही। सीधे रुक कर लेते हैं संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, एक बार फिर से जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना, नाराजगी अभी तक है और कह रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोपहर 2:30 बजे जंतर मंतर पर सब पहलवान इकट्ठा हो गए थे, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रात भर वहीं पर डटे रहे। उनकी मुख्य मांग है कि 2 दिन पहले एक शिकायत दी गई थी कनार प्लेस थाने में फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ, जिसमें 7 पहलवान खिलाड़ियों ने, महिला खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, तो उस मामले पर ब्रिजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज हो, ये मुख्य मांग है। और इसके साथ साथ एक पिछली बार जब पहलवानों ने धरना दिया था ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ और अन्य चीजों को लेकर, तो एक कमेटी बनाई गई थी, मैरी कॉम, योगेश्वर दत्त सतमाम उस कमेटी के सदस्य थे, तो उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। तो वो रिपोर्ट में क्या कुछ है, कौन दोषी है, उनके खिलाफ एक्शन हो, कब होगा, तो रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, ये भी मांग उनकी तरफ से रखी गई है। तो ये 2 मुख्य मांगे उनकी तरफ से रखी गई हैं और इसको लेकर के ही तमाम पहलवान जो पिछली बार धरने पर बैठे थे वैसे ही धरने पर बैठ गए हैं। और इनका कहना कि जब तक इस बार मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो उठेंगे नहीं, क्योंकि पिछली बार भी करीब 4-5 दिन बैठे थे, उसके बाद 2 दिन लगातार अनुराग ठाकुर के साथ बैठकें चली थी, फिर सहमति बन गई थी। लेकिन अब चूंकि दोबारा से FIR का मामला और अन्य मसले आ गए हैं, तो अब इनका कहना है कि जब तक वो पूरे नहीं होंगे हम बैठे रहेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नितिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दिए थे जब तक ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी हम धरने पर डटे रहेंगे, ये कहना है वहाँ पर मौजूद पहलवानों का। और आपको बता दें कि कार्रवाई ना होने से ये सभी पहलवान फिलहाल नाराज हैं। आज पहलवानों के धरने का 2रा दिन है, 2रे दिन भी ये पहलवान धरने पर डटे हुए हैं, जिनमें बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक जैसे चेहरे शामिल हैं।